हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सब बढ़िया होंगे, सब ठीक होंगे। वेलकम टू राशि कृपा, सब बड़े बढ़िया बने रहे। वेलकम टू माय चैनल प्रगति एंड विनीत सक्सेना ब्लॉग। आज लिए हमने मैगी और जा रहे हैं मैगी बनाने नए स्टाइल से मेरे लिए अपनी धर्मपत्नी के लिए। तो अभी एक काम पे से आए हैं और मेरी डिमांड है कि आज मैंने दिन में खाना नहीं खाया, आज मुझे कुछ बना के खिलाइए, क्योंकि रोज़ तो हम ही बनाते हैं ना, तो आज इनको बनाना चाहिए ना कभी कभी। तो ये एक पैकेट मैगी लिए है और हमारे हमारे बाबा जय गुरुदेव का एक नारा है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी और दूध मिलाई, शाकाहारी रहिए और बीमारियों से दूर रहिए। दूर रहिएगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं मैगी आज मेरे लिए। फाइनली हम लोग आ चुके हैं ऊपर, यहाँ पे पंखा चला दिए हैं, लाइट जला लिए हैं और अभी ये लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? प्याज। प्याज बढ़िया से बनाइयो। चाकू आए हाय, आपका करियो। ये अब प्याज छीलना हूँ, तो यहाँ पे प्याज छील रहे हैं। प्याज कैसे काटेंगे जानू? लंबी लंबी, गोल गोल? लंबी लंबी। लंबी लंबी काटेंगे? महीन। शिमला मिर्चा कहाँ है? नहीं, नीचे है। शिमला मिर्चा चाहिए मुझे, शिमला मिर्चा। हाँ, अभी लेके आते हैं, नीचे रख के भी फ्रिज में। आज इनसे खूब अच्छे से काम कराया जाएगा। काटने दीजिए इनको, देखिए इनका जो है लंबी लंबी पीसेस में इनका प्याज कट गया है और अब ये जाएंगे शिमला मिर्च लाएंगे नीचे। हाँ, नीचे जा रहा हूँ, फ्रिज में शिमला मिर्च रखी है, वो लेके आता हूँ और मम्मी को मोबाइल लेके आता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मम्मी का मोबाइल छूट गया था, तो वो भी लेते जाएंगे और दे के आएंगे। जल्दी आना, भूख लगी है। हाँ, तो ये ले आए शिमला मिर्च और अभी इनको काटूंगा बारीक बारीक। हाँ, काटने दीजिए इनको और तब से हम चलते हैं। लड्डू खाएंगे क्या? आधा आप खाइएगा, आधा हम ले आते हैं। ये लड्डू है जो मम्मी ने बनाए थे, आधा ये खाएंगे। और इसमें कल घी ज़्यादा हो गया था, तो मम्मी ने उसमें आटा वगैरह मिक्स करके और फिर इसे और ज़्यादा वो कर दिया, तो अब ड्राइनेस है इसमें, तो अभी अच्छा लग रहा है। सोयाबीन का लड्डू। बारीकी से काम हो रहा है यहाँ पे सक्सेना जी का। अरे, आज के दिन में मैगी खाने को मिलेगा कि नहीं? मिलेगा मिलेगा, तो बड़ा ही अच्छे तरीके से बनने वाला है, तो देखते हैं अभी। और क्या काटना है? टमाटर। टमाटर, तो प्याज कटने के बाद सक्सेना जी हमारे पूरा मन से काम करते हुए टमाटर काटेंगे। और बीज निकाल देना जरूरी होता है। बीज नहीं खाया जाता है, बीज का ये पेड़ उगाएंगे। क्यों? पेड़ लगाएंगे क्या? हाँ। टाइम रहता है आपके पास? अभी डालेंगे ना। अच्छा, अभी डालेंगे, तो बीच से पेड़ निकाल के फिर पेड़ से खाएंगे शिमला मिर्च। टमाटर भी कटने लगा, अभी हो गया है इनको 10 मिनट हो गया 2 मिनट मैगी में, अभी क्या मिनट लगेगा जाना? वो तो ऐड देते हैं, 2 मिनट में बन जाएगी मैगी। मैं पता है 5 मिनट में बना लेती हूँ। पता है कैसे बना लेती हूँ? कढ़ाई चढ़ाती हूँ, प्याज काट के डालती हूँ, प्याज होता है, शिमला मिर्च कटता रहता है, शिमला मिर्च डाल दिया, फिर टमाटर कटता रहता है, ऐसे बनाती हूँ, इसलिए मैं 5 मिनट में बना लेती हूँ 2 मिनट मैगी। और यहाँ पे 10 मिनट पहले ही हो चुके हैं, आई डोंट नो अभी कितना टाइम है। अब हम उसमें से काटते हैं कटर, इससे भी महीन, छोटे 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 छोटे, हाँ छोटे छोटे से काट के ना डाल देती हूँ, बन जाते हैं फटाफट से। एक दिन आपको मैगी की ना अपनी वाली रेसिपी डालूंगी। आज तो सक्सेना जी की मैगी देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं। कहो जी, सुनाओ जी, बनाओ जी।
प्यास लग गई है अब काम करते करते और पानी पीने के बाद अपने मिशन पे, मिशन मैगी पे आ चुके हैं और पानी भी रख लिया है साथ में। और यहाँ पे कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है। तो फाइनली आ गए हैं हम, अभी हमें खाने को नहीं मिल रहा है। अच्छा डालेंगे यार, तू दिखाते हैं। तो जीरा, हाँ तो जीरा ले लिया है इन्होंने। अब देखते हैं हल्का सा डाल के, कढ़ाई हमारी हुई है नहीं हुई है, कढ़ाई अभी हल्की हो गई है गरम, जाना ही अच्छी सी गरम है। ये डाल दिया हमने जीरा, हाँ प्याज। अब यहाँ पे ये प्याज डालना है, ये देखिए रोटी वाले उससे चकले से जल मत जाइएगा। आप लोग इनका मुंह देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। और पूरा टाइम अभी से वॉच करिएगा पकने में कितना टाइम लगता है। ए जी पूरे खुशी में लग रहे हैं सक्सेना जी मैगी बनाते हुए। अचारी मैगी बनाओ ना, एक रेसिपी हो जाएगी यार। अचारी मैगी मार्केट में मिलती भी नहीं है, हैं सच्ची बता रही हूँ। अचारी मैगी हल्दी तो है नहीं इसमें, हल्दी मत डाली, हल्दी ले आएंगे नीचे से, हल्दी है नहीं इतनी काफी है। हाँ तो डाली हमने तीसी हल्दी, हल्दी डाला जा रहा है। अब हम थोड़ा सा देंगे धनिया, धनिया पाउडर। अब लेंगे आधा चम्मच हम रंग के लिए कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च। अच्छा था ये कश्मीरी है, नहीं तो ये तो मुझे तीखा कर देते। हल्का सा डाल देंगे हम हैं गरम मसाला, गरम मसाला भी आ गया। मसाला जल जाए वो धीमा कर दे, मैं चला देती हूँ, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। अभी शिमला मिर्च डालना था पहले, वैसे बाद में मसाले पड़ना था लेकिन मैंने आपको बताया नहीं सॉरी क्योंकि पहले शिमला मिर्च क्रंची कर लेते हैं उसके बाद डाल देना। डालो अब कोई बात नहीं, नहीं अभी होने दो, मसाले ऐसे जल जाएंगे, कड़वे कड़वे आएंगे। मसाला पानी के बिना हमेशा जल जाता है। तो इनका यहाँ पे ये आ गया शिमला मिर्च, शिमला मिर्च साथ में भिजवा भी वही में रखे हुए हैं। मैं चलूं क्या? नहीं अब डलेगा, क्या डलेगा? टमाटर। तो अभी तो ये क्रंची होना बाकी है ना। हाँ क्रंची है तो कर लो, डलेगा डलेगा। जब तक क्रंची नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च, पूरा मन से मिर्ची काटते हुए कैची से, हाथ में ना लग जाए नहीं तो होठ और आँख इनका जल जाएगा कलछुल गरम हो जाएगा। मैं पूरी मदद कर रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं खाली खाऊंगी, थोड़ा बहुत तो मदद कर देना। हाँ एक मिनट, इतने अच्छे मेरा पेट खराब है, मैगी खाने को देंगे लेकिन मिर्ची एक देंगे मसाला डालने का काम खत्म हो गया। फ्रेंड्स अब इसके बन करके हींग भी डाला आपने? अभी बाद में डालूंगा।
पिंक तड़का भी पड़ता देख रहे हैं। नहीं इतनी जल रहा है। अरे पहले से तो पहले एक टुकड़ी ही पड़ता है। नहीं हम नहीं जाते। अच्छा चलिए तो फिर इंतजार कर लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम है। आई होप टमाटर पकेगा उसके बाद से छोड़। अब डलना है इसमें टमाटर। तो ये टमाटर है जो डालने हैं। सक्सेना जी, ये डाल दिया हमने टमाटर। सक्सेना जी की मैगी। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा डालेंगे नमक, जिससे हमारा टमाटर गल जाए। हाँ तो थोड़ा सा नमक डालते हुए हाँ स्वाद अनुसार बस टमाटर ही गलाना है। मैगी में तो वैसे भी आप लोग जानते हो टमाटर, अरे नमक होता है सॉरी। अभी ऐसे पकाएंगे ढक के पकाएंगे। हाँ तो अब यहाँ पे ये देखिएगा, हमने शुरू में इसमें हींग डाली। अगर हम शुरू में हींग डाल देते तो ये जल जाती और इसका सारा स्वाद खत्म हो जाता, क्योंकि हमें हींग जो है बाद में डाल देती है, इसका स्वाद बना रहे। नहीं कच्चे जो खादा करती है पक भी जाती है। पक जाती है कभी कभी, मैं तो किसी किसी की रेसिपी देखती हूँ उसमें इसी तरह डालते हैं, ज़्यादातर में ऊपर से पहले ही डालते हैं। ऊपर से नहीं डालने चाहिए कभी भी। आप कुछ बनाएं दाल सब्जी दाल जो बनाए तो जो है हींग जब सब मसालों साल पक जाए छोकर लग जाए और छोकर सब तैयार हो जाए तो बाद में डालना चाहिए, क्योंकि अगर पहले डाल देंगे तो सब जल जाएगा, उसका स्वाद खत्म हो जाएगा या फिर वो फायदा करेगी। अपने फायदे के लिए कभी भी कोई चीज नुकसान मत करिए, हींग भी हो तो उसको आराम से डालिए कब बाद। अभी दिखा रही हूँ आपको मैगी का, मैगी का क्या टमाटर का हो गया। मैगी तो कटवे नहीं किया, कट गया था काम करने तो अपना नाम तो हो जाएगा की देखो मैंने की सहायता तो करनी चाहिए थोड़ी बहुत, पति को करनी चाहिए, मैं तो पूरा करती हूँ, मैं अच्छी पति हूँ। अच्छी पति जबरदस्ती बनवा रही हूँ, कोई कहे या ना कहे मेरे पति बहुत ऐसे होता है, पत्नियों की वजह से कहवा लेती है। अब आदमी क्या करे। अच्छा कौन कौन मैगी का मसाला खाया है, अच्छा लगता है मसाला भी डाल दिया मैंने और पानी भी डाल दिया मैंने और मैगी भी खोल दिया मैंने, तो काफी काम किया है मैंने। ऐसे छोड़े कौन है खोलने के बाद डालू। हाँ खोलने लगा है फिर तेल के से। हाँ तो हाँ, पानी में झाग आने लगा है हल्का हल्का, अब मैगी डाल सकते हैं। आई नो हाँ आई नो। अब हम इसे हाँ तोड़ देंगे। इसको ऐसे करके हम डाल देते हैं और फिर हम इसको ऐसे हल्के से भिगो देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है जानू, भूख लग रही है। इसके बाद बनाने के बाद पेट में अरे नहीं बाबा अभी तो ढकना है। नहीं ढकेंगे हम, बिना ढके पकाओगे। हाँ तो फ्रेंड्स पक रही मैगी नए तरीके की। आई होप आई डोंट कैसे बनेगी, पहली बार बनाई है। अच्छा बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिएगा हमारी मैगी बनकर तैयार हो गई है, अब इसे हम प्लेट में करेंगे। देखिएगा हम ले आए हैं दो चम्मच, मन में मतलब मुंह में पानी आ रहा है, अच्छा बना है लग रहा है। Thank you.
अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हुआ तो प्लीज़ हार मत करिए, आप सब लोगों से हमें सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर हमारे ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो बाय जय जो